हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कैमल्स हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो व्हेन द वर्ल्ड बिगन एनिमल्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द दर्ल्स वी सी टुडे तो जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एनिमल्स जो थे जो जानवर थे वो थोड़े से डिफरेंट थे जैसे कि आज के टाइम में फर्स्ट द एलिफेंट हैड नो ट्रंक एंड द है हैड नो स्ट्राइप इमेजिन अ कैमल विदाउट इट्स हम्प शुरुआती टाइम में एलिफेंट्स जो है उनके ट्रंक नहीं होते थे उनकी सूंड जो है वो नहीं होती थी और ना ही जेबरा के स्ट्राइप्स होते थे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जेबरा की बॉडी पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में वैसे स्ट्राइप्स भी नहीं होते थे तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैमल को बिना उसके हम्प के लॉन्ग लॉन्ग अगो कैमल है जानवर जो है नए नए आए थे तो उस समय कैमल के जो बैक पे हम हम्प दिखते हैं आज के दिनों में वो हम्प नहीं हुआ करते थे इस बैक वॉज फ्लैट एंड स्मूथ लाइक अ हॉर्स बैक और उस टाइम पे कैमल का जो बैक है वो विदाउट हंप हुआ करता था उनके बैक पे जो कुबड़ है वो कुबड़ नहीं होता था उन और उनका बैक भी हॉर्स की तरह उनके घोड़ों के जैसा काफी फ्लैट था और स्मूथ था बट ही वाइल्ड एंड एंड रफ हैड नो मैनर्स लेकिन वो खुद में बहुत ही जंगली था बहुत ही रफ था और उसमें कोई मैनर्स नहीं था ही नेवर सेड प्लीज और थैंक यू ऑल ही सेड वॉज हम तो कैमल जो था वो कभी भी प्लीज या थैंक यू नहीं बोलता था वो बस एक ही चीज कहता था एंड दैट इज हम एट दैट टाइम मेनी एनिमल्स हैड बिगन टू वर्क फॉर मैन द कैमल वॉज डिस इंटरेस्टेड एंड नी बडी तो उस समय बहुत सारे जानवरों ने क्या किया इंसानों के लिए काम करना शुरू किया लेकिन कैमल जो था वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था वो उसे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वो किसी का भी काम नहीं करना चाहता था He lived all alone in the heart of the big dry desert, और वो सूखे रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला रहता था ड्राई ग्रास एंड स्टेक्स व और वो क्या खाता था बस सूखे घास खाता था और स्टिक्स मतलब लकड़ियां जो होती है बस वही खाता था वन एनी बडी स्पोक और जब भी कोई उसे बात करना चाहता था जब भी कोई उसे बात करता था तो वो क्या कहता था बस हम्प इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता था वन मंडे मॉर्निंग द हॉर्स केम टू हिम एंड सेट कम विद मी मैन वॉन्ट टू राइडर्स और एक दिन मंडे का दिन था उस दिन सुबह में हॉर्स है कैमल के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि जो इंसान है वो हमारी सवारी करना चाहते हैं हम सेट द कैमल तो कैमल ने हॉर्स के जवाब में क्या कहा हम द हॉर्स वेंट अवे नीग हिज डिसअपॉइंटमेंट और उसने अपना सर हिला दिया मतलब सर हिलाकर ये कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो हॉर्स क्या करता है बेचारा बहुत ही निराश हो जाता है और मतलब नहीं करते हुए वहां से चला जाता है डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग होता है निराशा देन ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग द डॉग केम अलॉन्ग विदिक इन हिज माउथ कम विद मी कैमल एंड हेल्प मी टू फैच एंड कैरी थिंग्स फॉर मैन फिर दूसरे दिन ट्यूजडे मॉर्निंग को डॉग आता है एक कुत्ता स्टिक लिया रहता है और, और वो कैमल को कहता है कैमल मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प करो इंसानों के लिए चीजों को लाने में और कैरी करने में फैच का मीनिंग होता है लाना शेकिंग हिज हेड द कैमल सेट हम लेकिन कैमल अपना सर हिलाते हैं हम मतलब एक तरह से इंडा वो कह देता है की मैं नहीं करूंगा मुझे नहीं करना और वेडनेस डे मॉर्निंग के सुबह एक ऑक्स आता है एक बैल आता है कैमल के पास और कहता है कि मुझे इस कार्ट को खींचने में इस गाड़ी को खींचने में, में मेरी मदद करो हम सेट द कैमल एंड इर्न अवे और कैमल फिर से एज यूजुअल उसके सवाल के जवाब में हम कहता है और, और वहां से चला जाता है एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉज द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टूगेदर एंड सेट माई थ्री फ्रेंड्स यू मस्ट वर्क हार्डर आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट वॉट कैन आई डू दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क तो शाम को um, आदमी जो है वो हॉर्स को डॉग को और ऑक्स को तीनों को एक साथ बुलाता है और कहता है की माई थ्री फ्रेंड्स यू मस्ट वर्क हार्डर मेरे दोस्त

ये सुनकर उस आदमी की बात सुनकर हॉर्स कहता है कि कांट वर्क वो वर्क नहीं कर सकता ही वोट वर्क वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने उसे बहुत बार काफी पोलाइटली से पूछा कि तुम हमारी हेल्प करोगे बट वो हर बार अपना सर हिलाता है और हम कह देता है दैट्स राइट द डॉग तो जो कुत्ता है वो हॉर्स की बात पर सहमत होता है और कहता है की हाँ ये सही है ही इज बिग एंड एंड ही ही इज इज लेजी और वो कहता है कुत्ता की कैमल जो है वो बहुत ही बड़ा है बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन वो बहुत ही लेजी है यस yes.

तो वो आदमी कहता है कि अच्छा मैं उसे काम नहीं करा सकता इसलिए मुझे उसे रेगिस्तान में अकेला छोड़ना होगा और तुम लोगों को एंड यू माय फ्रेंड्स तुम लोगों को और भी ज्यादा हार्ड वर्क और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी द थ्री फ्रेंड्स वर फ्यूरियस एंड अपसेट फ्यूरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एंग्री एंड अपसेट का मीनिंग होता है डिस्टर्ब तो उस मैन की वो बात सुनकर ये जो तीनों फ्रेंड्स थे मतलब हॉर्स ऑक्स और डॉग ये तीनों काफी मतलब एंग्री हो गए और थोड़ा सा अपसेट भी हो गए ऑन थर्सडे मॉर्निंग They met together. The great Dijin was flying along in a cloud of जिन वॉज फ्लाइंग अलोंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट to इज दुप एंड टॉक विदर्सडे के दिन मॉर्निंग मतलब तो थर्सडे के दिन सुबह में वो तीनों जो है ऑक्स हॉर्स एंड डॉग वो तीनों मिलते हैं और उस समय एक जिन आसमान में क्लाउड ऑफ डस्ट यानी कि बादल की धूल में उड़ रहा होता है तो वो आसमान से ऊपर से इन लोगों को देखता है और वो देख के ये नोटिस करता है कि ये जो तीनों है वो काफी उदास है तो वो क्या करता है वो नीचे आता है इन लोगों से बात करने के लिए ग्रेट डिजिन सेट इज इट ट्राइड टू बी लेजी द वर्ल्ड इज यंग एंड ब्यूटिफुल तो उस को देख के हॉर्स उससे पूछता है कि ग्रेट डिजिन क्या लेजी होना आलसी होना सही है जबकि ये दुनिया इतनी ज्यादा यंग एंड ब्यूटिफुल है ऑफ कोर्स नॉट सेट दिजिन तो जिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं वेल सेट हॉर्स there's a thing in the middle of the big dry desert with a long neck and long legs and a big ugly face it doesn't do any work horse कहता है अच्छा लेकिन इस बड़े से सूखे से रेगिस्तान में एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है बहुत लंबे पैर हैं और बहुत बड़ा और अगली सा फेस है और वो कुछ भी नहीं करता है that sounds like my camel what does he say when you ask him to work The digit. तो जिन है कि ये तो क्या मैं लगता है तो जब तुम उसे काम के लिए पूछते हो तो वो क्या कहता है और कुछ नहीं कहता, That's right, said the ox. और ox क्या कहता है की हाँ सही है वो सिर्फ हम ही कहता है वो कहता है ऑक्स की मैं जब भी उसे हेल्प मांगता हूँ जब भी मैं कहता हूँ मेरी हेल्प करो वर्क में तो वो सिर्फ अपना शरीर लाता है और हम कहता है बस वेरी गुड जिन कहता है कि बहुत अच्छा मैं उसे एक हम दूंगा ये सब बस मेरे ऊपर छोड़ दोन दिजिन फ्लू अवे इन क्लाउड ऑफ डस्ट और ये कहते हुए जिन है वो अपने बादलों की धूल में उड़ जाता है standing all alone beside the pool. He was looking at his ugly face in the water. और बहुत ही जल्दी जो जिन है वो कैमल को ढूंढ लेता है और जब वो कैमल को ढूंढता है तो वो क्या देखता है कि कैमल जो है वो अकेला के किनारे अकेला खड़ा हुआ है और वो बस पानी में अपने अगली से फेस को देख रहा है फ्रेंड द आई दैट दैट यू वर्क तो जिन क्या करता है कैमल के पास जाता है और उसे पूछता है कि माई फ्रेंड uh, मैंने सुना है कि तुम काम नहीं करते हो काम नहीं करोगे लेकिन ऐसा क्यों है हम सेट द कैमल और कैमल उसके भी जवाब में क्या कहता है हम जादू करने के बारे में सोचने लगता है वाइल्ड थिंकिंग जस्ट चू देर स्टेरिंग एक्टिव अन दॉटर दिस इरिटेटेड द जिन तो जिस समय जिन कुछ मैजिक करने के बारे में सोच रहा था तो उस दौरान कैमल क्या करता है बस चुपचाप से आ, बस वहां पे खड़ा रहता है और पानी में अपने अनअट्रैक्टिव से फेस को मतलब अपने अगली से फेस को देखता रहता है तो ये देख के जिनको बहुत ही गुस्सा आता है बहुत ही इरिटेट हो जाता है मतलब बहुत ही इरिटेट हो जाता है वो ये देख के पॉन्ड्रिंग हार्ड द डेज इन स्कोक टू द कैमल अगेन द थ्री फ्रेंड्स हैकिंग वेरी हार्ड बिकॉज यू आर टू लेजी टू वर्क डोंट यू केयर पॉन्ड्रिंग का मीनिंग होता है थिंकिंग हार्ड तो सोचते सोचते वो जिन जो है वो दोबारा से कैमल से बोलता है कि वो जो तीनों फ्रेंड हैं यानी कि जो हॉर्स हैं ऑक्स है और जो डॉग है वो तीनों बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ही लेजी हो तुम कुछ नहीं करते तुम काम करने के मामले में बहुत ही लेजी हो तो क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता हम सेट द लेजी कैमल और एज यूजल जिन की बात को सुनकर भी कैमल क्या कहता है हम इफ यू 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 से टू द कैमल आई विल गिव एंड लाइक इट तो उसे जिन को काफी गुस्सा आ जाता है वो हम्प सुन के तो जिन उसे कहता है कि अगर तुमने ये हम्प वर्ड दोबारा से कहा ना तो मैं तुम्हें सचमुच का एक हम्प दे दूंगा एंड तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा हम सेट द कैमल और जिन के इतना बोलने के बावजूद भी कैमल क्या देता है जवाब बस हम्प जस्ट देन समथिंग फ्लू थ्रू द एयर एंड लैंडेड ऑन द कैमल्स ब्यूटिफुल स्मूथ फ्लैट बैक इतने में एक चीज हवा के थ्रू उड़कर आती है और कैमल के ब्यूटीफुल से स्मूथ फ्लैट बैक पर आकर लैंड कर जाती है और वो उसकी पीठ पर स्टक मतलब अटक जाती है और फिर वो क्या करती है ग्रो करना शुरू करती है और वो तब तक ग्रो करती रहती है जब तक कि वो छोटे से माउंटेन की तरह ना लगने लगे देर से जिन योर हंप टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क वर्क सिंस मंडे नाउ यू आर गोइंग टू और जिन कहता है कि लो ये तुम्हारा हंप है आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है अब तुम काम करोगे हाउ कैन आई सेट द कैमल तो कैमल कहता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ हो गया है, उसके साथ मैं काम कैसे करूँगा जिन आई विल यू तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे काम करोगे यू विल कैरी योर फूड एंड वॉटर इन योर हम्प तुम अपना पानी और खाना जो है वो अपने हम्प में कैरी करोगे तुम्हारे जो हम्प है इसमें तुम अपना खाना और पानी कैरी करोगे देर इज इनफ

अच्छा बनना चाहिए कम ऑन नाउ एंड स्टॉप बिंग अब चलो भी और आलसी बनना बंद करो सो द कैमल वेंट अवे विद द ऑन हिज बैक एंड ज्वाइंट मैन एंड द थ्री फ्रेंड्स और कैमल अपने हम्प के साथ मैन uh, और थ्री फ्रेंड्स जो हॉर्स थे डॉग और ऑक्स थे उन लोगों के पास चला जाता है आफ्टर अ फ्यू इयर्स द हम्प केम टू बी नोन एज द हम सो दैट द कैमल डिड नॉट फील टू बैड और बहुत सालों के बाद जो वर्ड है एच यू एम पी एच हम्प वो एच यू एम पी हम्प के नाम से जाना जाने लगा ताकि कैमल को ज्यादा बुरा ना लगे सो दैट्स ऑल होप आपको चैप्टर समझ में आ गई होगी अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द आइकन विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन देन बाय